मैं हूँ रामेश और मैं हूँ दानिश और आज हम अपनी जिंदगी की एक बहुत अहम तरीन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बड़ी मेहनत के बाद जो हमने 6-7 महीने में पैसे कमाए हैं, बहुत मेहनत, ब्रोज मीट जैसे कि आपने देखा है, हाँ, उस पैसे से हमने ये एक चीज खरीदी है और ये आई थिंक अब तक की हमारी सबसे ज्यादा कीमती इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा। तो विदाउट फर्दर डू, अभी एक मिनट यार, आई थिंक इससे पहले अभी तो शुरू हुआ है। ओके, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा खापा दिखाना जरूरी है। अभी मेरे एक दोस्त ने बोला है कि यार चाचा जी इसके पास नॉनवेज नाम की एक चीज है, वो क्या होती है, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉनवेज इन 3, 2, 1। अगर हम चाचा जी पर आए थे नॉन वेज ट्राई करने, तो इन्होंने हमें देख के पहचान लिया। इन्होंने बोला यार आप काउंटर के उस पार क्या कर रहे हैं, आप काउंटर के इस पार आ जाएं। तो हम आ गए किचन के अंदर, अब हमें एक्सेस है हर चीज का। अब हम देखेंगे नॉन वेज को बनते हुए। शूटिंग से पहले क्लीनिंगनेस का ख्याल बहुत जरूरी है। भाई बचपन में आपको ना अम्मा ने किसी सिखाया होगा कि भाई देखो रोटी से तोड़ो, बोटी में डालो, डिप करो सॉस में और मुंह में चढ़ाओ। भाई नॉनवेज इज लाइक अ गुड लुकमा टू हैव, और उस लुकमे के अंदर आपके पास बिहारी बोटी होती है, नान, गार्लिक नान होता है, गार्लिक सॉस होता है और वेजीज का मिक्स होता है। ₹260 में फिट चीज़। अच्छा भाई खापा हमने खा लिया, नॉनवेज वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। टाइम आ गया है लोगों को दिखाने का कि हम, सॉरी आप लोगों ने बहुत वेट किया, मगर विदाउट फर्दर डू 1, 2। मुझे आप लोगों का नहीं पता मगर मेरे और रामेश के बचपन की जो एक्साइटमेंट थी ना, रिवॉल्व मोस्टली अराउंड वर्ल्ड ऐसे आप देख सकते हैं। यार मुझे मेरी जिंदगी की जो फिल्म है ना वो मेरी आंखों के सामने से यूं यूं मेरी मेमोरी तुम्हारे ज़हन में से पहले तुम्हारा क्या कहना है यार? मेरा इसलिए जो सबसे ज्यादा जो मेरी बड़ी मेमोरी है इसके साथ वो ये है कि मैं अपने कजन्स के साथ सैटरडेज और संडेज को बैठ के स्ट्रीट फाइटर खेलता था। लॉट ऑफ मेमोरीज विद द कजन्स। ओह माय गॉड मैन। दानिश थेरेपी। ऑलराइट गाइस, अब आप बोल रहे होंगे कि हमने खरीदा क्यों है। तो यार देखें, हम बहुत बड़े हो गए, मतलब वैसे बड़े नहीं हुए मगर उम्र में शायद थोड़े बड़े हो गए। अबे यार ये चाइनीज ने इतना हल्का कर दिया। इज इट वेरी लाइट? या उस वक्त शायद हमारे हाथ बहुत कमजोर होते थे डायनासोर के जमाने का, मुझे लग रहा है हम इतने एडवांस हो गए। जिस तरह हमारे कजन और हम बैठ के फिगर आउट करते थे कि हमारी दादी के टीवी में लीडे कहाँ लगी, पता नहीं कोई 25 छेद है इसमें, किस छेद में डालने पता नहीं समझ रहे यार। Everybody's gonna be like, क्या मैं सिखाता हूँ? मार्टे लोग हैं, लोग कहेंगे मार्टे हैं, boys हैं ना। मैं बताता हूँ। मैंने सामने disappoint कर दिया अपने fans को। Yeah, just. Now all we need is sound. Oh my God, brings me back. चीते ने कर लिया भाई। यार ये जो feeling आ रही है ना भी यार, सुन हम game कौन सा खेल रहे हैं? Street. Upset. यार तो अस्तगफिरुल्लाह रीसेट तो कर देता दानिश। ओ भाई, ओ अरे यार, सीइंग स्ट्रीट फाइटर 2 ऑन अ फ्लैट स्क्रीन इज जस्ट, यू नो, क्या सीन है। ओए ओए भाई सीन ऑन, आई नेवर न्यू यू वाज इन थाईलैंड।
यार किसी को भी नहीं पता था क्योंकि as racist as it sounds कोई था इतना लंबा नहीं होता just give me like a few seconds यार ये नहीं करो तो practice ही नहीं होता ओह अभी तो पूरा game practice किया तुमने करोगे round one goes to round अबे तेरा इतनी जल्दी नहीं करता पता नहीं चलता कब आया yoga fire गया तू बेटा भाई सीन ये है कि बैठक बहुत लंबी लग गई है क्योंकि हमने पैंडोराज बॉक्स खोल दिया और अब हम लंबा बैठेंगे इससे पहले कि हम जाएं लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपका बचपन का फेवरेट सेगा गेम कौन सा था आल्सो डाकू को पकड़ लिया वो चेक कर तू मेरी फरारी ने उस डाकू की गाड़ी को पकड़ ली ये मिशन क्लियर ब्रो Still got it.